अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ गुलाम कादर, आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनके काजेस क्या हैं और उसके साथ साथ जो है उनका तरीका इलाज क्या है। तो आज इनमें जो है हम डिटेल में बात करेंगे। और सबसे पहले जो है माइंड केयर ऑन प्लेटफॉर्म के हवाले से मैं बता दूँ कि माइंड केयर ऑन प्लेटफॉर्म जो है वो ऑनलाइन काउंसलिंग एंड साइकोथेरापी प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारे प्रोफेशनल काउंसलिंग एंड साइकोथेरापी देते हैं। उसके साथ साथ जो है हम लाइव सेशंस करते हैं मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स के हवाले से, जिसका मकसद यह है कि लोगों को जो है वो अवेयर किया जाए मुख्तलिफ ज़हनी बीमारियों के हवाले से। जो हम फेसबुक और यूट्यूब में जो हमारे चैनल है उस पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स के हवाले से। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है? बाइपोलर डिसऑर्डर एक तरह की मूड की ख़राबी है। इस बीमारी में मूड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कभी बेइंतहा उदासी आ जाती है। इस बीमारी के दो हिस्से हैं। ठीक है, पहले हिस्से में जो है बहुत ज़्यादा खुशी, हैजान अंगेजी और जो बहुत ज़्यादा तवानाई आ जाती है, जिसे हाइपोमेनिया या मैनिक एपिसोड कहते हैं। ठीक है, दूसरे एपिसोड में जो है वो डिप्रेसिव एपिसोड है, जिसमें जो है उदासी, निडाल सी कैफियत और खुदकशी वाली कैफियत आती हैं, जिसे डिप्रेसिव एपिसोड कहते हैं। उसके साथ जो है इस बीमारी को डायग्नोस करना या तशखीस करना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी अलामतें जो हैं मिलती जुलती दूसरे डिसऑर्डर या दूसरी बीमारियों से भी हैं, तो इसको जो है वो डायग्नोस करने में बहुत मुश्किल होती है। अब आते हैं अलामतों की तरफ कि अलामतें क्या होती हैं। सबसे पहले जो है डिप्रेसिव फेज़ की अलामतें बताते हैं कि वो क्या होती हैं। लो सेल्फ इस्टीम होती है, ठीक है, और लेक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, तवज्जा की कमी होती है, जिसमें जो है किसी भी काम में तवज्जा नहीं होता, और उसके साथ जो है सुसाइडल थॉट्स होते हैं, खुदसोजी के ख्यालात आते हैं। उसके साथ साथ जो है ज़्यादा हेल्पलेसनेस फीलिंग होती है, बेबसी वाली कैफियत होती हैं। उसके साथ साथ जो है एनर्जी नहीं होती, लो एनर्जी होती है और कुछ करने का दिल नहीं करता, उनका लेक ऑफ इंटरेस्ट होता है उनका। तो ये कैफियत जो है डिप्रेसिव फेज़ में होती हैं। सेकंड जो है वो मैनिक एपिसोड है, फेज़ है, उसमें जो है वो हाई एनर्जी होती है, ज़्यादा एनर्जी होती है। उसके साथ साथ जो है वो हाई सेल्फ इस्टीम होती है उनकी, और ख्यालात उन्हें जो है वो तेज़ तेज़ आ रहे होते हैं। उसके साथ साथ जो है वो इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा होता है उन्हें। इसके साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ बात करते हैं। तो ये जो मेन सिम्टम्स ये हैं, उसके साथ साथ और भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर जो है वो ये होते हैं, जिसमें जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है, इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। तो इस तरह की जो है वो इलामात। सब बात करते हैं जो है काजेस के हवाले से कि क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जो बाइपोलर की तरफ ले जाते हैं। तो देयर इज़ नो सिंगल काज फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर, लेकिन जो स्टडीज़ या थ्योरीज सपोर्ट कर रही हैं उनमें जो है वो ज़्यादातर जेनेटिक जो है वो है। अगर फैमिली में किसी को है तो मोर चांसेस हैं कि उनको डेवलप हो सकता है। उसके तो साथ साथ जो है एनवायरमेंटल काजेज भी होते हैं, स्ट्रेस हो गया, और उसके साथ फिजियोलॉजिकल काजेज भी होते हैं, केमिकल इम्बेलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर। अब बात करेंगे जो है ट्रीटमेंट तरीका इलाज बाइपोलर डिसऑर्डर के हवाले से कि बाइपोलर डिसऑर्डर का तरीका इलाज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो आ जाती है मेडिकेशन। मेडिकेशन में जो है लिथियम है, कार्बामेज़ेपाम है, SSRI है और भी हैं, लेकिन जो है ये दी जाती हैं। उसके साथ साथ जो है प्राइमरी जो है वो काउंसलिंग साइकोथेरापी दी जाती है, ताकि जो है सिम्टम्स को जो है वो कंट्रोल किया जाए। ठीक है, जो भी करंटली सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाए, जैसे कि नेगेटिव थॉट्स हैं, सुसाइडल थॉट्स हैं, उन इसके अलावा जो है लो सेल्फ इस्टीम है इसमें। ठीक है,
डिप्रेशन को ज़्यादातर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी दी जाती है उन्हें।